नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लागू होते ही आबकारी दल की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने पर जिला खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सजेंद्र मोरी के नेतृत्व में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सघन तलाशी की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह 6 बजे संयुक्त आबकारी दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर वृद्ध बढ़वा के ग्राम मठ पलासिया, रावत पलासिया, खलकी बारून में नदी नालों के किनारे दबिश के दौरान लगभग 6200 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 470 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ मदिरा बरामद की गई। उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी रविशंकर पुरोहित, आबकारी उप निरीक्षक द्वारा मा प्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं च के तहत 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त मदिरा का मूल्य रू 7,10,500 है। तारांकन बाइट। आज दिनांक को जिला आबकारी खरगोन एवं वन विभाग बड़वा की टीम द्वारा 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें सर्वप्रथम मठ पलासिया, उसके बाद रावत पलासिया, उसके बाद खुड़की बारोल में कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 470 लीटर हाथ भट्टी शराब, 6200 केजी महुआ लहान और इसके अलावा जो ड्रम वगैरह जो जिसमें हाथ भट्टी मदिरा को सड़ाया जाता है, लगभग 50 ड्रम जब्त किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है। और अन्य जगह पर भी ये कार्रवाई हुई, लगातार जारी रही। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।